हेलो एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 27/2023 यानी कि BPSC TRE 2 के लिए जो प्रतियोगिता परीक्षा हुई थी उसके परीक्षा फल से रिगार्डिंग अगर किसी भी अभ्यर्थी को कोई शिकायत है या आपत्ति है तो उसके संबंध में वह शपथ पत्र के माध्यम से, वो भी BPSC की ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से ही अपनी शिकायत या आपत्ति दर्ज कर सकता है। उसके लिए उसे एक निश्चित समय दिया गया है, वह कब से कब तक अपनी शिकायत या आपत्ति दर्ज कर सकता है, यही हम इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही दूसरा, जो जिनका किसी प्रकार से डॉक्यूमेंट्स अपलोड या तो क्लियर नहीं है या जो भी उस अपलोडिंग में दिक्कत आई है उसका भी समय दिया गया है। दो नोटिस अभी BPSC ने निकाले हैं, दोनों नोटिस क्या हैं उन दोनों नोटिस को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट कर लेते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो सीधा आप तक पहुँच सके और एक लाइक जरूर करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। विज्ञापन संख्या 27/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षा फल से संबंधित कोई भी शिकायत आपत्ति हो तो शपथ पत्र के माध्यम से अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट, ये वेबसाइट है ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in, स्क्रीनशॉट ले लें या नोट डाउन कर लें, पर अपने लॉगिन आईडी से और एवं पासवर्ड से लॉगिन करने के उपरांत अपने डैशबोर्ड पर जाकर दिनांक 30/1 से 13/1/2024 तक दर्ज कर सकते हैं। यानी कि 3 जनवरी 2024 से 13 जनवरी 2024 तक आप अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करते हुए डैशबोर्ड पर जाएंगे। वहां जाकर आप कोई भी इस भर्ती के रिगार्डिंग, परीक्षा के रिगार्डिंग अपनी शिकायत या आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, वो भी शपथ पत्र के साथ। वेबसाइट आपको बता ही दी है और उल्लेखनीय है कि अभ्यर्थी द्वारा किसी भी अन्य माध्यम से प्राप्त शिकायत स्वीकार नहीं होगा। ये TRE में जो वन हुआ था उसमें बहुत हुआ था, इसलिए आपको बता दें, क्योंकि फिजिकली वहाँ पे अभ्यर्थी पहुँच गए थे, जिनमें बहुत से, मैंने भी उनका वीडियो बनाया है, बहुत अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको परीक्षा में नहीं बैठने दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि जो अभ्यर्थी हैं वो केवल ऑनलाइन माध्यम से ही शिकायत करें। और ये आज का ही वीडियो है, सॉरी पत्र है। अब हम अपना दूसरा नोटिस देख लेते हैं जिसमें BPSC ने क्या कहा है। ये विज्ञापन संख्या 26 यानी कि TRE 1 का है, ये 2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा, जिसमें दिनांक 14/12/2023 को प्रकाशित पूरक परीक्षा फल के वर्ग यानी कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट था, जिसमें वर्ग 1 से 5, 1 से 5, 9 से 10 एवं 11 से 12 में जिन सफल अभ्यर्थियों के अपलोड किए गए दस्तावेज यदि त्रुटिपूर्ण या अपठनीय हैं तो सही दस्तावेज को पुनः 30/12 से 1/1/2024 तक अपलोड कर सकते हैं। यानी कि अगर जिनके सप्लीमेंट्री रिजल्ट जिनका निकला है और उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी त्रुटि है, अपठनीय है या सही से वो अपलोड नहीं हो पाए, जो भी आपका रीजन है, आपको भी समय दिया गया है कि आप 30 दिसंबर से लेकर, आपके पास समय कम है, और 1 जनवरी 2023-24 तक अपलोड कर सकते हैं। तो आपके पास समय 3-4 दिन का है। इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट, ये वेबसाइट है, आप भी नोट डाउन कर लें और जल्दी से इस कार्य को कर दें। अगर आप वीडियो पर पहली बार इसे देख रहे हैं तो वीडियो को देखने के बाद, एक लाइक करने के बाद तुरंत आप ऑनलाइन इस साइट पर जाएं और अपना लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड से लॉगिन करने के उपरांत अपने डैशबोर्ड पर जाकर, पहले क्या करना है आपको, अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना है। उसके बाद आपको डैशबोर्ड दिखेगा, फिर डैशबोर्ड पर जाकर त्रुटि रहित एवं पठनीय प्रति अपलोड कर सकते हैं। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की छाया प्रति 100 KB तक होनी चाहिए। यहाँ पर ध्यान रखें, ये जो क्राइटेरियाज होते हैं ना, इन्हीं पर आप काम किया करें तो कभी गलत नहीं होंगे, वो बताते हैं। इसीलिए
तो जो 100 KB है उसी के दायरे में आपको अपने दस्तावेज रखने हैं, उनकी छाया प्रति। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की छाया प्रति राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अटेस्टेड हो। साथ ही अपलोड करते समय राजपत्रित पदाधिकारी का नाम, पदनाम, पद स्थापन का स्थान एवं जो संपर्क संख्या पोर्टल पर अंकित करना सुनिश्चित करें, यानी कि मोबाइल नंबर। यह सफल अभ्यर्थी के लिए अंतिम मौका है। उक्त तिथि के बाद किसी तरह का अवधि विस्तार नहीं किया जाएगा। ये लेटर भी आज ही का है। तो अब ये दो न्यूज़ हो गई हैं, दोनों ही टाइम बाउंड हैं, तो प्लीज़ जल्दी करिए। और जल्दी से जल्दी आप, अगर कोई शिकायत है तो शिकायत दर्ज कर सकते हैं 13 जनवरी तक। और अगर डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार की त्रुटि हुई है, अपठनीय है, या वो अच्छे से दिख नहीं रहा है, ब्लर है, जो भी रीज़न है, आप उसको जल्दी से, केवल 1 जनवरी तक का समय आपके पास है, और केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाएगा। बीपीएससी की साइट में एक बार और बता देती हूँ आपको, ये वेबसाइट है, इस पर जाकर ही आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करते हुए अपने डैशबोर्ड पर जाकर यह जो अपलोड है करना है आपको। तो जल्दी करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो मुझे लगा सबसे पहले इस कार्य को किया जाए। तो अंत तक बने रहने के लिए और वीडियो को एक लाइक करने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।